नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद, हालांकि बहुत सारे पॉलिटिक्स में भी ये चलता है, बहुत सारी बाकी जगह पे चलता है, लेकिन बॉलीवुड में ये बहुत ज़्यादा चलता है। तो इसीलिए कैसे जो न्यू कॉमर्स होते हैं उनको दबा दिया जाता है, उनको चांस इतने नहीं मिलते। कैसे स्टार किड्स होते हैं जो बहुत जल्दी बिना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मेहनत की आगे तक पहुंच जाते हैं। तो अवार्ड्स में कैसी चीज़ें होती हैं, हेरा फेरी होती है, आपने देखा होगा। ऋषि कपूर साहब की एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने अपनी किताब में भी ये लिखा है और उन्होंने लाइव चैट शो में भी बताया था कि कैसे उन्होंने 30,000 रुपये में अवार्ड खरीदा था उस समय। तो ये चीज़ उन्होंने शेयर की और ऐसे ही अवार्ड जो है दिए जाते हैं। तो यहाँ पे पीछे बेस्ट फिल्म फॉरेन फिल्म के लिए भेजना था, जब ही तो गली बॉय के साथ एक और फिल्म थी अंधाधुन। मैं यूं नहीं कहूँगा कि गली बॉय अच्छी फिल्म नहीं थी, लेकिन वो अंधाधुन बहुत बेहतर फिल्म थी, बहुत ही बढ़िया पिक्चर थी, जिसमें आयुष्मान खुराना ने बहुत कमाल का रोल किया था। तो उस पिक्चर की जगह पे गली बॉय को भेज दिया गया था। बाद में गली बॉय सेलेक्ट नहीं हुई तो लोगों ने पहले भी बहुत शोर मचाया था, ट्विटर पे लिखे थे, कमेंट्स लिखे थे कि ये क्या है, कि वो फिल्म डिजर्व करती थी। तो बाद में जब रिजल्ट आया तो लोगों ने कहा कि ऐसा होना ही था, अब गली बॉय जैसी फिल्म को आप भेजोगे तो ऐसा ही होगा, अंधा धुंध को भेजना चाहिए था। तब भी काफ़ी इस चीज़ का मसला उठा था। उसके साथ साथ एक और पिक्चर आई थी मसान, विक्की कौशल की फिल्म थी मसान, तो बहुत खूबसूरत बहुत बढ़िया पिक्चर थी। तो हालांकि विक्की के पापा भी इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन वो मुकाम के नहीं है। तो उनकी जगह पे, वो मसान की जगह पे एक ऐसी फिल्म को बेस्ट डेब्यू का अवार्ड दिया गया जो कि बहुत ही वाहियात फिल्म थी, जिसको ऑडियंस ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था, लेकिन क्योंकि उसमें आदित्य पंचोली के बेटे थे सूरज पंचोली, इसलिए उस फिल्म को बेस्ट डेब्यू का अवार्ड दे दिया गया था। तो ऐसी बहुत सारी उदाहरणें हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, कि जो कि बॉलीवुड के नेपोटिज्म को नग्न करती हैं। तो ये कब रुकेगा ये सिलसिला, ये आखिर आप ही इस सिलसिले को रोक सकते हो। दोस्तों, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।